जब किसी पार्टनर का बिजनेस में एडमिशन होता है ना, जब बिजनेस कोई नया पार्टनर होता है आता है ना, उस टाइम पे जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनके रूल क्या होते हैं, वो हम समझेंगे। जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है उस टाइम पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, क्या एंट्रियाँ होती है, कैसे होती है, वो हम समझेंगे। तो वो सब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने के पहले एक बात ये बता दूं कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन यूजुअली एक तो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनता है। क्या होता है वो समझा दूंगा। एक तो क्या बनता है, रिवॉल्यूशन अकाउंट, और दूसरा बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें जितने पार्टनर होंगे उतने अमाउंट के कॉलम डेबिट में बनेंगे, जितने पार्टनर होंगे ठीक है उतने ही कॉलम क्रेडिट में बनेंगे ठीक है। तीसरा बैलेंस शीट बनाया जाता है। यूजुअली ये तीन चीजें होती है, रिवॉल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। फिर कभी कभी कैपिटल अकाउंट के अलावा करंट अकाउंट भी बनता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनता है। होता क्या वो समझाऊंगा, सभी अकाउंट कैसे बनते, बैलेंस शीट कैसे बनती है, वो सब समझाऊंगा। पर यूजुअली ये चीजें बनती है। आगे जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है ना, तो उस टाइम पे जो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं उनमें से मेजर ट्रीटमेंट के अंदर एक आता है गुडविल। तो पहले गुडविल के बारे में बता रहा हूं। गुडविल के बारे में ये रूल है कि बिजनेस में सभी पार्टनर्स ने मेहनत करके जो गुडविल बनाई है उसको सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलते हैं, क्रिएटेड गुडविल बोलते हैं। जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है उस टाइम पे जो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं उनमें एक मेजर ट्रीटमेंट होता है गुडविल का, जो मैं समझा रहा हूं गुडविल के बारे में। तो गुडविल के बारे में पहली बात ये समझा रहा हूं कि पार्टनर्स ने मेहनत करके जो बिजनेस की गुडविल बनाई है उस गुडविल को सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलते हैं, क्रिएटेड गुडविल बोलते हैं। और इस ढंग से मेहनत करके जो गुडविल बनाई गई है, मतलब जो क्रिएटेड गुडविल है, मतलब कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ना, इसका वैल्यूएशन नहीं किया जा सकता कभी भी। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन नहीं हो सकता, इसलिए इसको असेट नहीं माना जा सकता, इसलिए इसको असेट में नहीं दिखाया जाता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26, इसके हिसाब से रूल क्या है गुडविल के बारे में कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन नहीं हो सकता, इसलिए उसको असेट नहीं माना जाता है, इसलिए उसको असेट में नहीं दिखाया जा सकता। पर ये रिवाइज रूल के अकॉर्डिंग है, ऐसा रूल, ये रूल रिवाइज है। इसका मतलब पहले कोई दूसरा रूल चला करता था, पहले कभी चला करता था, पहले ऐसा था कि गुडविल को दिखाया जाता था, लेकिन अब जब से रिवाइज हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो उसमें ये रूल बदल दिया, क्या इसको असेट में, गुडविल को असेट में नहीं दिखाया जा सकता। तो पहले जब ये गुडविल क्रिएट होती थी, जब गुडविल असेट में दिखाई जाती थी पहले कभी, तो असेट में दिखाने के साथ साथ पार्टनर्स में क्रेडिट कर दी जाती थी, क्योंकि हर चीज का ड्यूअल इफेक्ट होता है, हर चीज का ड्यूअल इफेक्ट होता है। तो पहले जब गुडविल क्रिएट की जाती थी, जब गुडविल को अकाउंट्स में लेके आया जाता था, तो उस समय क्या होता था, एक तरफ तो गुडविल को असेट में दिखा देते थे, यानी गुडविल को डेबिट कर देते थे, दूसरी तरफ लायबिलिटी में पार्टनर्स के अकाउंट में बढ़ा देते थे, यानी पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट कर देते थे। तो गुडविल को क्रिएट करते टाइम एंट्री क्या होती थी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग गुडविल को असेट में दिखाया नहीं जा सकता, मतलब उस एंट्री को कैंसिल करना पड़ेगा, वो एंट्री जो पास्ट में हो चुकी है उसको अब कैंसिल करना होगा। तो कैंसिल करने की एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। और इस इफेक्ट के हिसाब से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ये याद रख देना। गुडविल क्रेडिट हो गई मतलब खत्म हो गई, ठीक। अब इस पूरे रूल को ध्यान में रखकर एक बात समझा रहा हूं, जितनी बातें अभी बताई इन सभी बातों का मतलब ये हुआ कि अगर किसी क्वेश्चन में असेट साइड में गुडविल दी हो
मतलब ये प्रीवियसली क्रिएट की गई थी, प्रीवियसली इसको रेश किया गया था, इसको रेश करने की एक एंट्री पास की गई होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बात लास्ट लास्ट में मैंने बोली है वो वापस से समझा रहा हूं, ध्यान दे के सुन लेना। अगर असेट साइड में गुडविल दिए, जब एडमिशन का क्वेश्चन कर रहे हो, एडमिशन ऑफ पार्टनर उसका क्वेश्चन कर रहे हो, अगर असेट साइड में गुडविल दी हो गई हो तो ये समझ के चलना कि पास्ट में जैसा हुआ करता था, गुडविल जब रेज की जाती थी तो एंट्री की जाती थी गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स के अकाउंट, ये एंट्री की गई होगी। और आज के रूल के हिसाब से गुडविल रेज नहीं कर सकते, गुडविल को असेट में नहीं दिखा सकते, इसलिए इसको कैंसिल करना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है मतलब समझ के चलना है कि इसको हमें कैंसिल करना ही है, तो कैंसिल करने की एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो यहां पे हमने पार्टनर्स कैपिटल को क्या किया, डेबिट किया, ठीक। अच्छा, यहां पे ये गुडविल प्रीवियसली क्रेडिट की गई थी, तो प्रीवियस टाइम पे तो ओल्ड पार्टनर्स थे, नया पार्टनर तो अभी आया है। ये हम अकाउंटिंग एंट्रियां करेंगे डेट ऑफ एडमिशन की करेंगे, जिस दिन नया पार्टनर आया उस दिन की एंट्रियां करेंगे, तो नया पार्टनर तो अभी आया ही। ये जब गुडविल क्रेडिट की गई थी, ये तो ओल्ड पार्टनर्स में क्रेडिट की गई थी, ओल्ड रेशियो में क्रेडिट की गई थी, क्योंकि उस टाइम पे ओल्ड रेशियो अप्लाई होता था, उस टाइम पे ओल्ड रेशियो चला करता था, तो ओल्ड रेशियो में क्रेडिट हुई थी, ओल्ड रेशियो में डेबिट करके खत्म कर देंगे, एग्रीड। तो मान लो, एक एग्जाम्पल से पूरी बात समझाऊंगा, पूरी बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। मान लो बैलेंस शीट की असेट में गुडविल दी हुई है, मान लो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई है और बैलेंस शीट की असेट में गुडविल दी हुई है, ये पुरानी बैलेंस शीट है, ऐसा मान लो क्वेश्चन में दी हुई है, गुडविल बैलेंस शीट में दी हुई है मान लो 30,000, ओल्ड रेशियो ए और बी का था 3:2 और सी नया पार्टनर आया है, ए और बी का ओल्ड रेशियो क्या है 3:2 और नया पार्टनर कौन आया सी आया है, तो ये जो गुडविल असेट में लिखी गई है ये प्रीवियसली ए और बी में क्रेडिट हुई थी 3:2 के रेशियो में क्रेडिट हुई थी। अब इसको कैंसिल किया जाएगा, तो जब कैंसिल किया जाएगा कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, और ए और बी में डेबिट कर देंगे 30,000 को ओल्ड रेशो यानी 3:2 में, यानी कि 18,000 and 12,000। तो जितनी भी बात मैंने बोली अभी तक, जितनी भी बात बोली सब का कंक्लूड कर रहा हूं, अगर किसी क्वेश्चन में असेट में गुडविल दी हो तो न्यू बैलेंस शीट से हटा देंगे, न्यू बैलेंस शीट में उसको नहीं लिखेंगे, यानी कि उसको राइट ऑफ कर देंगे, खत्म कर देंगे, और खत्म करने के लिए असेट में तो नहीं लिखेंगे लेकिन बदले में कहां लिखेंगे उसको कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे, ओल्ड रेशियो में डेबिट करेंगे, और इसके साथ गुडविल खत्म हो गई। जब न्यू बैलेंस शीट बनेगी तो न्यू बैलेंस शीट में गुडविल नहीं आएगी, एग्री हो सभी, एग्री हो तो गुडविल का पहला कंसेप्ट यहां पर खत्म हुआ। गुडविल का दूसरा कंसेप्ट शुरू कर रहा हूं, जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है ना तो वो ओल्ड पार्टनर की बनी बनाई गुडविल का एडवांटेज लेगा। जब बिजनेस में कोई नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर्स ने जो गुडविल बनाई है, जो गुडविल जनरेट कर रखी है, उस गुडविल का बेनिफिट नए पार्टनर को भी मिलेगा, पर पूरी की पूरी गुडविल का फायदा अकेले उसको नहीं मिलेगा, जितना उसका शेयरिंग रेशियो है उतनी गुडविल का फायदा वो उठाएगा। नया पार्टनर जब बिजनेस में आता है तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्होंने जो गुडविल जनरेट कर रखी है, जो गुडविल बनाई है बिजनेस की, उसका फायदा उसको भी तो मिलेगा, इतनी जमी जमाई दुकान का फायदा वो भी तो उठाएगा, पर पूरा फायदा अकेले नए पार्टनर को थोड़ी मिलेगा, पूरा का पूरा प्रॉफिट उसकी जेब में थोड़ी जाएगा। बिजनेस में आगे से जो प्रॉफिट पूरा नए पार्टनर को नहीं मिलेगा, उसको तो उसका शेयरिंग रेशियो मिलेगा। इसका मतलब क्या, जितना शेयरिंग रेशियो नए पार्टनर का है उतना उतनी गुडविल का एडवांटेज उसको मिल रहा है। इसीलिए एक रूल होता है कि जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो वो कैपिटल मनी तो लगाता ही है, कैपिटल मनी तो लाता ही है, वो उसके अकाउंट में क्रेडिट भी होती है, लेकिन साथ में उसको उसके शेयरिंग रेशियो जितना प्रीमियम अमाउंट फॉर गुडविल लाना होता है नए पार्टनर को, अपने शेयर के लिए कैपिटल तो लानी होती है, कैपिटल तो लगानी होती है, वो कैपिटल जितनी भी लाता है वो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है,
और साथ में उसको एक प्रीमियम अमाउंट लेके आना होता है, एक एक्स्ट्रा अमाउंट लेके आना होता है गुडविल के लिए, जिसको प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। कभी कभी नया पार्टनर लेके भी आता है, पर कभी कभी नहीं भी ला पाता है। लाना तो होती है उसको, रूल के हिसाब से उसको प्रीमियम फॉर गुडविल लाना चाहिए, पर कभी वो ला पाता है तो कभी नहीं ला पाता है। अगर नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, अगर वो गुडविल का एडवांटेज लेने के लिए पैसे लेके आता है, तब क्या एंट्री होती है वो समझाऊंगा। अगर वो नहीं ला पाया तो एंट्री क्या होती है वो भी समझा दूंगा। अगर थोड़ा सा पार्ट लेके आया और थोड़ा सा नहीं भी लेके आया, अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे वो भी समझा दूंगा। तो पहली बात समझ लेना कि नए पार्टनर को फर्म की जितनी गुडविल है उतना पैसा नहीं लाना है, उसको अपने शेयर की गुडविल जितना पैसा लेके आना है, पूरी गुडविल जितना नहीं। पहली बात तो ये समझ लेना, नए पार्टनर को पूरे फर्म की जितनी गुडविल है उतना पैसा नहीं लाना है, उसको अपने शेयर की गुडविल जितना पैसा लेके आना है। अब नए पार्टनर के आने से ओल्ड पार्टनर्स का शेयरिंग रेशियो कम हो जाएगा, मतलब कि ओल्ड पार्टनर नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस करेंगे। इसलिए नया पार्टनर जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा, ये ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड होगा। नया पार्टनर पूरे फर्म की गुडविल जितना पैसा नहीं लेके आएगा, जितना उसका शेयरिंग रेशियो है उतना अमाउंट वो लेके आएगा। दूसरी तरफ नए पार्टनर के आने से ओल्ड पार्टनर्स का शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हो जाएगा। इसलिए नया पार्टनर जो प्रीमियम का अमाउंट लेके आएगा, वो ओल्ड पार्टनर्स में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एग्रीड। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल से समझते इस चीज को, ध्यान देके सुनना। मान लो एक मिनट, देखो मान लेते हैं कि ए और बी तो पार्टनर है, उनका शेयरिंग रेशियो 3:2 है। उन्होंने सी को एडमिट किया है और उसका शेयरिंग रेशियो रहेगा 1/4। ओल्ड पार्टनर का शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। और नया पार्टनर का शेयरिंग रेशियो क्या है? 1/4। और पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? गुडविल ऑफ द फर्म इज 80,000। ठीक है, पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? 80,000 है। तो नया पार्टनर अपने शेयर यानी 1/4 जितना प्रीमियम अमाउंट लेकर आएगा। 80,000 का 1/4 कितना होता है? 20,000। यानी नया पार्टनर 20,000 प्रीमियम अमाउंट लाएगा, मतलब अपनी कैपिटल के साथ साथ 20,000 पे एक्स्ट्रा लाएगा। तो उसकी कैपिटल मनी है वो तो उसके अकाउंट में जाएगी, और 20,000 जो एक्स्ट्रा लाएगा ये ओल्ड पार्टनर्स को मिलेंगे, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स उसके लिए सेक्रीफाइस करेंगे, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम करेंगे। तो ये 20,000 जो नया पार्टनर लेके आएगा ये ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड होगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, मान लो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है सी ब्रिंग्स कैश फॉर गुडविल, मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसा, तो ही मानना है कि नया पार्टनर आया, नहीं तो नहीं मानना है। ठीक है, तो 20,000 जो नया पार्टनर लेके आएगा 1/4 ऑफ द गुडविल, वो ओल्ड पार्टनर से डिवाइड होंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक, अगर क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है तो ठीक, अगर नहीं दिया है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो के बेसिस पर, ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो के बेसिस पे। और अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी नहीं दिया हुआ है तो वहां पे ये मान के चलना है कि जो उनका ओल्ड रेशियो है वो उसी रेशियो में नए पार्टनर के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेक्रीफाइस करेंगे, अपना रेशियो कम करेंगे। नए पार्टनर को 1/4 शेयर देना है, ए और बी 1/4 शेयर अपने अपने हिस्से में से देंगे, 3:2 के रेशियो में देंगे, ऐसा मान के चलना है अगर नहीं दिया है तो बात फिर से रिपीट करूंगा, नया पार्टनर जो गुडविल के लिए पैसे लेके आएगा वो 20,000 रहेंगे, ये ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड होंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ओल्ड पार्टनर्स ने अपना प्रॉफिट रेशियो किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया है, किस रेशियो में कम किया है, उस रेशियो में 20,000 डिवाइड होंगे। और अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो ना दिया हो तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, और अगर न्यू रेशियो भी ना दिया हो तो ये मान के चलना है कि जो उनका ओल्ड रेशियो है वो उसी रेशियो में नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस करेंगे, उसी रेशियो में उसको शेयर एंड प्रॉफिट देंगे।
यानी जो उनका ओल्ड रेशियो है वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हुआ। तो इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी नहीं दिया हुआ है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी नहीं दिया हुआ है, मतलब नया पार्टनर जो 80,000 में से 20,000 गुडविल के लाएगा तो ओल्ड पार्टनर में 3:2 में डिवाइड होंगे, उनके अकाउंट में क्रेडिट होंगे, उनके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। तो ए और बी के अकाउंट में कैसे क्रेडिट करेंगे, कैसे लिखेंगे वो बता रहा हूँ। लिखा जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ए और बी के कॉलम में क्रेडिट कर देंगे 12,000 एंड 8,000 एग्रीड, और ये अमाउंट कैश में भी प्लस हो जाएगा, यही अमाउंट कैश में भी प्लस हो जाएगा, एग्रीड सभी जने। एक और क्वेश्चन समझते, ध्यान देके सुनिएगा। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1, दो पार्टनर है एक्स और वाई, उनका ओल्ड शेयरिंग रेशियो है 4:1, दे एडमिटेड टू जेड फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए फ्यूचर प्रॉफिट के लिए फॉर्म में आ रहा है, जेड रिसीव्स हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 2:1, जेड को जो 1/5 शेयरिंग रेशियो मिलेगा वो एक्स और वाई देंगे और 2:1 में देंगे, इसका मतलब जेड के लिए वाई को अपना शेयर कम करना है 2:1 में, यानी कि एक्स और वाई का सेक्रीफाइसिंग रेशियो हुआ 2:1। अल्सो ही विल ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और नया पार्टनर इसके लिए गुडविल का कैश पे लेके आएगा, वो प्रीमियम अमाउंट फॉर गुडविल लेके आएगा, नया पार्टनर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेके आएगा और ये पैसा एक्स और वाई में डिवाइड होगा 2:1 के रेशियो। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000, गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है, जेड के शेयर की गुडविल नहीं दी हुई है कभी, तो नए पार्टनर के शेयर की गुडविल दी होती है तो कभी पूरे फर्म की गुडविल दी होती है, ये हमेशा देख लेना चाहिए। यहाँ पे पूरे फर्म की गुडविल दी हुई है, मतलब हमको जेड का शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा और उतना पैसा वो लेके आएगा। तो कभी कभी नए पार्टनर की शेयर की गुडविल कैलकुलेट करके दी होती है, तो यहाँ कैलकुलेट करना है हमको। तो नए पार्टनर का शेयरिंग रेशियो कितना है, जेड का शेयरिंग रेशियो कितना है 1/5 है, तो गुडविल में 1/5 60,000 का 1/5 कितना होता है 12,000। जेड्स शेयर इन गुडविल इक्वल टू पूरे फर्म की गुडविल 60,000 है, उसका 1/5 होता है 12,000, यानी नए पार्टनर जेड को प्रीमियम फॉर गुडविल लानी है 12,000 और ये पैसा एक्स और वाई में डिवाइड होगा, तो एक्स रिसीव्स फॉर प्रीमियम इक्वल टू 12,000 इंटू 2/3 यानी कि 8,000। Y received for premium equal to 12,000 into 1/3 equal to 4,000। तो नया पार्टनर जो गुडविल के पैसे लेके आएगा वो एक्स और वाई में डिवाइड होंगे 4,000 और 8,000। तो ऐसे में जब एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, एक्स और वाई के अकाउंट में 8,000 4,000 क्रेडिट कर देंगे और बैलेंस में जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तब उसको बैंक बैलेंस में प्लस कर देंगे, 12,000 रुपीज बैंक बैलेंस में प्लस हो जाएंगे। एग्री हो? अब मान लो इसी क्वेश्चन में अगर बोला होता, अगर इसी क्वेश्चन में एक बात और बोली होती कि दिस अमाउंट इज विड्रॉन By old partners, अगर ये लिखा होता कि ये अमाउंट जो गुडविल का अमाउंट है ये ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर लेंगे, तो जो अमाउंट उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ था, जो अमाउंट उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ था वो डेबिट भी कर दिया जाएगा, पर किस नाम से, टू बैंक के नाम से। एक के अकाउंट में कितना क्रेडिट किया था 8,000, 8,000 डेबिट कर देंगे। Y के अकाउंट में कितना क्रेडिट किया था 4,000, 4,000 डेबिट कर देंगे। यस, पहले तो जितना जो नॉर्मली क्रेडिट होता है वो क्रेडिट करना ही करना है, फिर उन्होंने पैसा विड्रॉ कर लिया ऐसा बोला हुआ है इसलिए हम उसको डेबिट भी कर रहे हैं, नहीं तो ये एंट्री नहीं करते हम।
अगर कैश और बैंक दोनों के नाम से तो अगर बैंक बैलेंस है बैंक के नाम से एंट्री, कैश है कैश के नाम से एंट्री, और दोनों है तो बैंक के नाम से एंट्री, यानी प्रायोरिटी किसको दी? बैंक को। इस बच्चे ने बोला कि यहाँ पे कैश लिखना है कि बैंक लिखना है, उसका रिप्लाई दिया था मैंने। अगर असेट साइड में कैश बैलेंस दिया हुआ है मतलब ये फॉर्म कैश अकाउंट मेंटेन करती है, तो यहाँ पे कैश के नाम से एंट्री होगी। अगर असेट में बैंक बैलेंस दिया हुआ है तो यहाँ पे बैंक के नाम से एंट्री होगी, मतलब क्योंकि बैंक बैलेंस मेंटेन होता है। और असेट में कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दोनों दिया हुआ है तो प्रायोरिटी बैंक को देते हुए बैंक के नाम से एंट्री कर देंगे, क्योंकि दोनों अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं। एग्री। और अगर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, और अगर यहाँ पे लिखा होता दिस अमाउंट इज विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, यहाँ पे अगर यहां पे लिखा होता कि हाफ ऑफ दिस अमाउंट इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, अगर यहां पे क्या लिखा होता हाफ ऑफ दिस अमाउंट इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, यानी जितना जितना इनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, जितना जितना इनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है उसका हाफ डेबिट करेंगे। तो एक्स में क्रेडिट हुआ है 8,000, उसका हाफ 4,000, Y में क्रेडिट हुआ है 4,000, उसका हाफ 2,000 डेबिट हो जाएगा। एक तरफ बैंक में प्लस होगा 12,000 ये वाला जो लाया था, तो दूसरी तरफ बैंक में से माइनस होगा ये वाला अमाउंट जो विड्रॉ हुआ है 6,000। 12,000 बैंक में प्लस भी होंगे, 6,000 माइनस भी होंगे, या हाफ अमाउंट बैंक में प्लस होगा ये भी बोल सकते हो। जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैंक में इस बात का ध्यान रखना है, बैंक अकाउंट का बैलेंस इतने में इस बात का ध्यान रखना है। एग्रीड। एग्रीड। इसी क्वेश्चन में एक और बात बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गुडविल दी हो, बैलेंस शीट में अगर गुडविल दी हो, मतलब कि अगर क्वेश्चन में ये सेंटेंस दिया हो कि गुडविल ऑलरेडी अपियर्ड इन बैलेंस शीट एट ₹50,000। मान लो एक सेंटेंस ये भी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि ऑलरेडी बैलेंस में गुडविल अपीयर्ड है, बैलेंस में गुडविल दी हुई है, और कितनी दी हुई है, तो वही पुराना रूल पे वापस आ गया मैं कि बाकी सब इंट्रियां हम जैसे कर रहे थे वैसे करेंगे ही करेंगे, बाकी सब इंट्रियां तो हम जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं, लेकिन जो बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर्ड है इसकी एंट्री अलग से एक और एंट्री पास होगी। ये गुडविल पहले एक्स और वाई में क्रेडिट हुई थी प्रीवियसली, ये गुडविल प्रीवियसली एक्स और वाई में क्रेडिटेड है, अब उसको डेबिट करेंगे, और कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो, यानी यहाँ पे ओल्ड रेशो क्या है, यहाँ पे ओल्ड रेशो क्या है 4:1, तो 50,000 4:1 में एक एंट्री एक्स्ट्रा पास की जाएगी टू गुडविल अकाउंट, 50,000 को 4:1 में, यानी कि 40,000 and 10,000। एग्रीड। इस सेंस से जो बैलेंस शीट में गुडविल दिया उसको अलग से राइट अप करना ही करना है, और जो नया गुडविल नया पार्ट है गुडविल का पैसा लाया उसके इनके अलग से जो ट्रीटमेंट होता है वो होगा। जो बैलेंस शीट में गुडविल पहले से दी हुई थी न्यू बैलेंस शीट में उसको नहीं दिखाएंगे। हाँ बेटा, सभी लोग एग्रीड, सभी लोग एग्रीड। हाँ बेटा, नया पार्टनर जो गुडविल का पैसा लाएगा, नया पार्टनर जो कैपिटल का पैसा लेके आएगा वो एक तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे ही करेंगे। इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि नया पार्टनर जो कैपिटल का अमाउंट लेके आएगा, नया पार्टनर जो कैपिटल का अमाउंट लेके आएगा एक तो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे जो भी अमाउंट है, ठीक, इसके अलावा इस अमाउंट को बैंक में प्लस भी कर देंगे। ये एंट्री सेपरेटली जो होनी है वो होनी होनी है। जब पुरानी बैलेंस में गुडविल बैलेंस शीट में अगर अगली बैलेंस में नहीं आएगा और यहाँ डेबिट हो ही गया ओल्ड रेशो में, बैंक में उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बैंक पर उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब यू हो गया, सब लोग क्लियर हुआ? बात चल रही है कि नया पार्टनर जब आता है तो उसके शेयर के गुडविल का पैसा लाता है, या तो लाता है या नहीं लाता, दो बातें होती है। अगर लेके आता है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, एंट्रियां कैसे होती है वो मैं समझाया जा रहा हूँ, ठीक। अब मैं अगला केस लूंगा कि मान लो कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लेके आया, नया पार्टनर उसके शेयर का गुडविल के लिए पैसा लाना चाहिए पर नहीं लेके आया, और अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे वो समझाऊंगा। तो सुने, जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लेके आता है तब क्या करते हैं? एक क्वेश्चन है, पी एंड क्यू आर पार्टनर्स
विथ शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:1। पीओटी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:1 है। दे एडमिटेड टू आर फॉर मंथर शेयर इन फ्यूचर शेयर। फ्यूचर के प्रॉफिट के लिए, फ्यूचर प्रॉफिट के लिए आर आएगा और उसको वन थर्ड मिलेगा। फ्यूचर के प्रॉफिट में वन थर्ड आर का रहेगा, यानी उसको वन थर्ड शेयर के लिए गुडविल लाना चाहिए। आगे क्या लिखा है, बट ही इज अनेबल टू बॉट इन कैश फॉर गुडविल प्रीमियम। ना पाएगा, गुडविल के पैसे नहीं ला पाएगा। ठीक है, नहीं लाएगा, पर उसके शेयर की गुडविल है कितनी वो देखते हैं। तो आगे लिखा है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 18,000। पूरे फर्म की गुडविल जो है वो 18,000 है और न्यू पार्टनर का शेयरिंग रेशियो वन थर्ड है। तो 18,000 में नए पार्टनर का शेयर कितना होगा? 18,000 में नए पार्टनर का शेयर कितना होगा? आर्स शेयर इन गुडविल इक्वल टू 18,000 इंटू 1/3, यानी कि क्या होगा? 6,000। यानी आर जो है वो 6,000 रुपीज नहीं ला पा रहा है, नहीं ला पा रहा है गुडविल के लिए पैसा। इसका मतलब ये नहीं है कि उससे लिया भी नहीं जाएगा। अगर आर गुडविल के पैसे नहीं ले पा रहा, नहीं ला पा रहा है, तो फ्यूचर में उससे लिया जाएगा। ये है इसका मतलब, क्योंकि अदरवाइज तो एडमिशन देंगे नहीं। हाँ, पार्टनर कंसिडर कर सकते, ठीक है अभी नहीं ला पा रहा है, कोई बात नहीं, फ्यूचर में हम तुमसे ले लेंगे, अभी सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेते हैं, तुमसे लेने का ड्यू दिखा देते हैं बस। जब नया पार्टनर गुडविल के पैसे नहीं लाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो देगा ही नहीं, फ्यूचर में हम उससे ले लेंगे, फिलहाल ड्यू दिखा देंगे। तो जब नया पार्टनर गुडविल के पैसे नहीं लाता है तो उस केस में हम कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, अब वो समझा रहा हूँ। तो हमको नए पार्टनर से गुडविल के पैसे लेना है, बाद में देगा, फिलहाल ये असेट है हमारी, ऐसा लेना है ना, असेट हुई। अब असेट में दिखाया जाएगा नए पार्टनर का करंट अकाउंट, आर्स करंट अकाउंट असेट में दिखाया जाएगा। कितना पैसा लेना है उससे? 6,000। तो 6,000 असेट में दिखा दिया, मतलब हमको आर से लेना है। दूसरी तरफ ये पैसा एक्स और वाई के अकाउंट में, ये पैसा एक्स और वाई के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ये अमाउंट एक्स और वाई में क्रेडिट कर देंगे। जब नया पार्टनर गुडविल के लिए पैसा लाता है तो हम प्रीमियम के नाम से लिखते हैं, और जब नहीं लाता है तो करंट अकाउंट के नाम से लिखते हैं। तो आर के शेयर की गुडविल कितनी है? 6,000। इधर सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करें, अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो बात करें तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो दिया ही नहीं हुआ है, नहीं दिया है, तो न्यू रेशियो भी नहीं दिया हुआ है। अदरवाइज हम ओल्ड में से न्यू रेशियो माइनस करके रेशियो निकालते हैं, पर वो भी नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे में जो ओल्ड रेशियो है यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, ये मान के चलेंगे 3:1। तो आर के शेयर की जो गुडविल है 6,000 वो पी और क्यू में क्रेडिट होगी 3:1 के रेशियो में। 6,000 इंटू 3/4 एंड 6,000 इंटू 1/4 1,500। तो एक हमने इसको प्रीमियम की जगह करंट अकाउंट के नाम से लिखा, दूसरा असेट में इसको बैंक में प्लस नहीं करेंगे, इसको अलग से करंट अकाउंट के नाम से दिखा देंगे। एग्रीड। इसी बात में एक छोटा पॉइंट चेंज कर रहा हूं। मान लो यहां पे ऐसा नहीं लिखा होता, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 18,000। अगर ये नहीं लिखा होता और यहां पे लिखा होता, यहां पे यूं लिखा होता, गुडविल ऑफ आर्स शेयर, यूं लिखा होता, आर्स शेयर इन गुडविल वैल्यूड एट 18,000। सेंटेंस चेंज कर दिया। अगर क्वेश्चन में लिखा होता आर्स शेयर इन गुडविल इज वैल्यूड एट 18,000, तो ये ऑलरेडी आर के शेयर की गुडविल है 18,000। तो फिर ये आर के शेयर की गुडविल अलग से हम कैलकुलेट नहीं करते, ये ऑलरेडी उसी के शेयर की ही गुडविल है। तो ऐसे में 18,000 डिवाइड होंगे, यहां पर 18,000 डिवाइड होंगे 6,000 की जगह, 18,000 इंटू 3/4 एंड 18,000 इंटू 1/4। उधर असेट में कितना लिखेंगे? 18,000 लिखेंगे।
यानी आपको एक बात और याद रखनी है कि जो गुडविल दी हुई है वो पूरे फर्म की है कि सिर्फ उस नए पार्टनर के शेयर की है। अगर पूरे फर्म की गुडविल है तो उसके शेयर की गुडविल कैलकुलेट करनी है, और अगर ऑलरेडी उसके शेयर की गुडविल दिए तो डायरेक्ट उसी को डिवाइड कर देना है। ये बात हमेशा याद रखना, हमेशा क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लेना। एग्री? तो दो बातें चली, नया पार्टनर अगर गुडविल के पैसे लेके आएगा तो प्रीमियम के नाम से एक सर्वाय में ओल्ड पार्टनर में क्रेडिट कर देंगे और बैंक बैलेंस में प्लस कर देंगे। अगर नया पार्टनर गुडविल के पैसे नहीं लेके आएगा तो करंट अकाउंट के नाम से ओल्ड पार्टनर्स में क्रेडिट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही, और असर में करंट अकाउंट के नाम से दिखा देंगे। एग्रीड? दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर क्वेश्चन में दिया है तो ठीक, उसको अप्लाई करेंगे, नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करेंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, ठीक है। और अगर न्यू रेशियो भी ना दिया हो तो ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मानेंगे, ये मानेंगे कि यही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। एग्रीड? एग्रीड? एक बात हमने और पढ़ी कि अगर 80 साइड में गुडविल दी हुई है तो ये प्रीवियसली क्रिएटेड गुडविल है, एक्स और वाई में क्रेडिट हुई थी, एक्स और वाई में यानी कि ओल्ड पार्टनर्स में डेबिट कर देंगे, ओल्ड रेशियो में क्रेडिट थी, ओल्ड रेशियो में डेबिट कर देंगे, गुडविल खत्म। जो बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई है वो अगली बैलेंस शीट में नहीं आएगी, न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगी। एग्रीड? अब एक क्वेश्चन ऐसा वाला करके देखते हैं जिसमें ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के गुडविल उसमें डिवाइड करनी है। तो सुनिएगा, एक क्वेश्चन है, एम एंड एन आर पार्टनर्स विथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2। एम और एन का शेयरिंग रेशियो है 3:2, ये उनका ओल्ड रेशियो है। दे एडमिटेड टू ओ, न्यू शेयरिंग रेशियो इज 3:3:2। अब यहाँ ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, तो ओल्ड में से न्यू माइनस करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। अभी कैसे निकालेंगे बता दूंगा, पहले आगे पढ़ रहा हूँ। ओ ब्रिंग्स कैश फॉर गुडविल ₹12,000 आउट ऑफ ₹18,000। ओ ब्रिंग्स फॉर ब्रिंग्स कैश फॉर गुडविल ₹12,000 आउट ऑफ हिज शेयर ₹18,000। वो 12,000 रुपीज लाता है गुडविल के लिए जबकि उसके शेयर की गुडविल बनती है 18,000। अभी तक दो केस हुए थे कि एक बार गुडविल लाया था और एक बार नहीं भी लाया था, पर यहां लाया भी और नहीं भी लाया, 18,000 लाना चाहिए पर 12,000 लाया, 12,000 गुडविल के लिए लाया मतलब 6,000 नहीं लाया। ठीक, क्या करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वो समझाऊंगा, पर उसके पहले हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी, वो हम निकाल लेते हैं। तो कैसे निकाल लेंगे, एम का ओल्ड रेशियो है 3/5, उसमें से न्यू रेशियो 3/8 माइनस किया, क्या आएगा 3/5 में से 3/8 माइनस करो, 9, तो ये आएगा 6/40 आएगा, जरा देखो तो आएगा क्या, ठीक है। और दूसरा एन, एन का ओल्ड रेशियो है 2/5, न्यू है 3/8, क्या आएगा देख लो, ये आएगा 1/40। तो ये दोनों का सैक्रिफाइड शेयर आया है, कुछ गलती हो चुकी है, कहां पर बेटा, पहले वाले में एम में 9/40 आ रहा है, बिल्कुल सही है, 9/40 1/40। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 9:1।
यानी नए पार्टनर की शेयर की गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर में 9:1 में डिवाइड होगी। एग्री? एक क्वेश्चन जिसमें ओल्ड रेशियो सेक्युरिटी रेशियो माना, एक क्वेश्चन जिसमें सेक्युरिटी रेशियो दिया था, और एक ये क्वेश्चन जिसमें हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ा। कैसे निकालते समझ में आ गया? तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 9:1 हुआ। चलूं आगे, तो नया पार्टनर गुडविल के पैसे कितने लेके आया था, याद है? नया पार्टनर गुडविल के पैसे कितने लेके आया? 12,000। जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आता है, जब नया पार्टनर गुडविल के पैसे लेके आता है तो ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड होता है। 12,000 रुपए वो लेके आया है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो है यहाँ पर 9:1। तो 12,000 × 9/10 एंड 12,000 × 1/10, 12,000 वो लेके आया है, यानी प्रीमियम के नाम से लिख दिया और इसको बैंक में प्लस कर देंगे। याद करो प्रीवियस क्वेश्चंस, जब नया पार्टनर गुडविल के पैसे लाता है तो ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक। उसके बाद में जब नया पार्टनर गुडविल के पैसे नहीं लाता है तो करंट अकाउंट के नाम से एंट्री करते हैं, तो यहाँ पर भी होगा पोस्ट करंट अकाउंट। अब वो नहीं लेके आया है 6,000, 18,000 उसको लाने थे, 18,000 उसको लाने थे, उसमें 12,000 लेके आया है, मतलब 6,000 नहीं लेके आया है। 6,000 जो नहीं लेके आया वो करंट अकाउंट के नाम से आ जाएंगे। 6,000 × 9/10 and 6,000 × 1/10 और ये अमाउंट करंट अकाउंट के नाम से, उस करंट अकाउंट के नाम से असेट में दिखा देंगे 6,000, और वो जो पैसे लेके आया था 12,000 वो बैंक पे प्लस हो जाएंगे। जब असेट में बैंक बैलेंस दिखेंगे तो उसमें प्लस कर देंगे। एग्रीड? सभी लोग एग्रीड? तो नया पार्टनर उसके शेयर की गुडविल लाता भी है, नहीं भी लाता है, और कभी कभी थोड़ी लेके आता है, थोड़ी नहीं लेके आता है। क्लियर सभी को? सबको क्लियर है?